इस वक्त ही नीतीश पर दबाव बनाना चाहिए कि इस बार नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी आएंगे तो सीएम की कुर्सी उनको चाहिए होगी जी। और ऐसी स्थिति में 24 तक वेट करना तेजस्वी के लिए महाघातक होगा। अपन कुशवाहा क्यों हड़बड़ा के अपने हक मांग रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि नीतीश चले आएंगे जल्दी ही। अब ये माहौल जो बना है इसमें नीतीश के पास ऑप्शन नहीं है, नीतीश चारों से गिरे हुए हैं जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम कब बनेंगे, इस बात को लेकर लंबे समय से चर्चा चली आ रही है। ये चर्चा लगभग एक दशक की होने वाली है। ऐसे में तेजस्वी यादव हर बार चूक क्यों जाते हैं, इस बार भी तेजस्वी को अच्छा मौका है, लेकिन अगर तेजस्वी चूकेंगे तो आगे कभी लॉटरी नहीं लगेगी। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ चूक रहे हैं, तेजस्वी फिर से सीएम बनने के फिराक में हैं, बयान तो देते नहीं हैं, बस अपने नेताओं से कहलवाते हैं कि नीतीश जी कुर्सी छोड़ दीजिए, ऐसे चलेगा काम? नहीं देखिए, तेजस्वी खुद ना बोले और उनके नेता बोले तो ये अच्छी स्ट्रेटजी है, खराब स्ट्रेटजी नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर ये समझ गए तेजस्वी यादव कि संजय जायसवाल खुद बिहार की कमान उनके हाथ में थी और वही हमला करते रहे तो तेजस्वी नीतीश कुमार के मन में बिल्ड होता रहा। और जब आप लगातार किसी पर हमला करते तो आपकी स्ट्रेटजी समझ में आती सामने वाले को कि अब करने वाले क्या जी। और इस वजह से कहीं ना कहीं विवाद जो है वो बढ़ गया और भाजपा और नीतीश का रिश्ता अलग अलग हो गया जी। लेकिन तेजस्वी यादव आए हैं तो ये शुद्धता नीतीश कुमार के रहमो करम पे आए हैं। भले उनके विधायक ज्यादा हैं, उनके समर्थकों की संख्या ज्यादा है, उनका जनाधार बड़ा है, लेकिन एक बात जान लीजिए, उनके समर्थकों को भी ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि तेजस्वी यादव नीतीश के भरोसे इस बार सरकार में आए हैं, इसीलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं कम विधायक के बावजूद भी, और इसीलिए तेजस्वी यादव नीतीश के सामने नतमस्तक होते हैं, बोलते नहीं। कैसे बोलेंगे, मंत्रियों की जब उनकी छुट्टी हो रही थी तभी या तो पहले मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था जी, या और दूसरे किसी को बनाना चाहिए था। उसी जातीय समीकरण से कई नेता और भी वेट कर रहे हैं, बिस्कुमान वाले सुनील सिंह है, अच्छे नेता है, उनको मौका मिलना चाहिए था, और भी लोग कंटेंशन में थे, सुधाकर सिंह को फिर हटा दिया गया जी। आपने कहा भूमिहार समाज के मंत्री हटे, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है ना, और तेजस्वी का बना बनाया जनाधार ए टू जेड का समीकरण सब ध्वस्त हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। फिर हमने देखा कुड़नी वाली सीट पे जो हुआ, नीतीश कुमार से अगर मोकामा की सीट लड़कर नहीं लेते हैं तेजस्वी तो वो भी सीट कहीं ना कहीं हाथ से गई हुई थी। गोपालगंज में नीतीश साथ में थे फिर भी हार गए जी। कुड़नी की सीट आपने देखा किस तरीके से सीटिंग जो विधायक थे वहां पे उनका पत्ता कटा जी। तो राजद के हाथ से सीट उन्होंने छीन ली, राजद इस पर भी नहीं बोली, बल्कि उसके बाद से धीरे धीरे नीतीश कुमार की मंशा स्पष्ट होने लगी, स्पष्ट होने लगी। ये समझ में आने लगा तेजस्वी यादव को कि नीतीश कुमार बात बना रहे हैं, समय काट रहे हैं, घुमा रहे हैं हमें। जब गठबंधन बना था उसके पहले ही ये शर्त रख दी गई थी कि इस बार नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी आएंगे तो सीएम की कुर्सी उनको चाहिए होगी जी। अब तो विधायक भी ज्यादा है और नीतीश के पास ऑप्शन भी नहीं है, आज का थोड़ी भाजपा के साथ वो चले जाएंगे, अभी तो रोक भी लग गया ना, अब तो रोक भी लगा हुआ है तेजस्वी को, फायदा तो है। ऐसी स्थिति में कहें तेजस्वी के पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इससे बेहतर तेजस्वी के लिए समीकरण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब भाजपा उनको साथ मिलने के तैयार नहीं नीतीश को, तो इस वक्त ही नीतीश पर दबाव बनाना चाहिए जी। और जो कुछ आपने कुर्बान किया नीतीश के प्यार में उसके बदले अब उस कुर्सी को आप अपने पाले में कीजिए, कीजिए। नीतीश के बस के चले तो आपको 25 में भी वो चेहरा ना बनाए जी। अब 25 तक जाने का मतलब क्या बनता है, जब नीतीश कुमार का हर दूसरे महीने खबर चलने लग रही है बड़े बहुत पुरजोर तरीके से, और खुमा के बतियाना है, इनके दूत बात कर रहे हैं भाजपा से आज भी, उन शर्तों पर जिक्र नहीं हो पा रहा। आरसीपी सिंह के लोग खुल के आके यहाँ पे बोल के गए आपके ऑफिस में कि देखिए बातचीत चल रही है, आरसीपी सिंह को पता नहीं कि बातचीत चल रही है, आरसीपी खुद बात चल रहा है। उपेन कुशवाहा क्यों हड़बड़ा के अपने हक मांग रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि नीतीश चले आएंगे जल्दी ही, तो नीतीश के आने से पहले आरसीपी इनों का चिराग जाएगा, पहले जाएंगे बिल्कुल चिराग और कहीं ना कहीं उपेन कुशवाहा, ये सब अगर चले जाए तो निश्चित तौर पर उन इन सब के लिए फायदेमंद होगा, और इसीलिए बेचैनी भी है। लेकिन अब जब भाजपा ये मन बना चुकी है कि नीतीश को साथ नहीं लेंगे जी, कम से कम टेम्पोररी एक फेज जिसमें है 2 साल 2 महीने का जिसमें नहीं हो पाएगा जी, तो इसी बीच में होली है और होली वाली शर्त जो नीतीश कुमार के सामने रखी गई थी कि 6 महीने यानी होली तक आप सरकार चलाइए और आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर आप बिहार छोड़कर देश की राजनीति करने चलिए, जिसके कहीं ना कहीं खिलाफ नीतीश कुमार बिहार में घूम रहे हैं। जिस शर्त को
अनसुना अनमना कर रहे हैं नीतीश कुमार, उस शर्त पर दबाव डालना नीतीश पर जरूरी है। और ये इस बार विधानसभा और परिषद बैठक होने से पहले तेजस्वी यादव को नीतीश पर ये दबाव डालना चाहिए, उनके लोगों को दबाव देना चाहिए, खासतौर पर सुधाकर सिंह जैसे लोगों को जो कि बागी हो चुके हैं अब, उनको ये बात बोलना चाहिए, जगदान सिंह को ये बात बोलनी चाहिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से वो कुर्सी ले ले, तेजस्वी यादव को सौंपी जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की लड़ाई और भाजपा के ना के बाद अब ये माहौल जो बना है इसमें नीतीश के पास ऑप्शन नहीं है, नीतीश यादव से गिरे हुए हैं और नीतीश इस वक्त चुनाव कराना नहीं चाहेंगे, नीतीश चुनाव कराएंगे भी, गिरे हुए हैं, नीतीश चुनाव कराएंगे भी तो वो 24 के आसपास करा देंगे, और ऐसी स्थिति में 24 तक वेट करना तेजस्वी के लिए महाघातक होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस वक्त तेजस्वी नहीं समझते हैं और इस वक्त नीतीश पर दबाव नहीं डालते हैं तो ये अगर 6 महीना बीत गया तो नीतीश तेजस्वी के हाथ से निकल एकदम निकल जाएगा, सरकार के कुर्सी पर तेजस्वी के बैठने की जो संभावना समाप्त हो जाएगी। जी, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए ये अच्छा मौका है, इसलिए कि भाजपा ने नीतीश के एंट्री पर रोक लगाई है और नीतीश कुमार चाहकर भी अभी भाजपा की तरफ रुख नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार दबाव बना ही रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी की जरूरत है ताकि नीतीश दिल्ली के रास्ते पर जाएं और तेजस्वी को यहाँ कुर्सी मिले। लेकिन अंत में एक बार फिर से बात वही अटकती है कि नीतीश कुमार आखिर कब तेजस्वी यादव को कमान सौंपेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।